के मनोहर लाल खट्टर फिलहाल वोट डाल रहे हैं इस वक्त करनाल में, यहीं से वे चुनावी मैदान में एक बार फिर से मुख्यमंत्री के दावेदार, और इन सब के बीच एक चुनौती, क्या कांग्रेस पार्टी देने में कामयाब रहेगी? क्या बहुत देर कर दी कांग्रेस पार्टी ने? अंदरूनी कलह जो हमने अशोक तंवर को निकालकर वापस पूरा दारोमदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर डालकर कुमारी शैलजा के साथ उन्होंने रिश्ते बेहतर किए, इन सब में क्या बहुत देरी हो गई? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो इस वक्त सामने खड़े हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर फिलहाल आपको करनाल में दिखाई दे रहे हैं वो डालते हुए। अगर मनोहर लाल खट्टर पर जल्दी से बातचीत करते हुए आगे बढ़े निशांत, अशोक सिंघल और यहां पर तमाम लोगों से, तो अनुच्छेद 370 का कश्मीर से हटना बहुत बड़ा सेविंग पॉइंट भी बना उनके लिए, क्योंकि हरियाणा वो राज्य है जहां से बहुत सारे लोग भारतीय फौज में जाते हैं और अक्सर पाकिस्तान, जैसे ये जनरल डिसूजा की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, रितेश देशमुख भी वहां पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, मुंबई की तस्वीरें। हरियाणा वो राज्य है निशांत जहां से बहुत लोग भारतीय सेना में जाते हैं और लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान के करतूतों की वजह से कई हमारे सैनिक शहीद होकर उनके पार्थिव शरीर घरों को पहुंच रहे थे, जिनको लेकर ये माना जा रहा था कि कहीं ये बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब ना बन जाए। उस नजरिए से अगर देखें तो ये राष्ट्रवाद, ये अनुच्छेद 370 का कश्मीर से हटना एक अपने आप में जवाब बन गया खट्टर के लिए। निशांत, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और खासकर अगर इन मुद्दों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोकल लेवल पर कहीं भी अगर आप बात करें तो वो मुद्दे जिसको हम बोलते हैं कि ज़मीनी मुद्दे, वो ऐसा लगता है जैसे थोड़े से पीछे चले जाते हैं। ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे मुद्दे, और फिर हमने देखा कल क्या हुआ है। लेकिन इस सबसे इतर ये तस्वीर जो मेरे पीछे है, बबीता फोगाट यहाँ पर वोटिंग करके गई हैं अब से करीब 3.25 घंटे पहले, लेकिन यहाँ पर शोले फिल्म का डायलॉग, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वो सबसे अच्छा लगेगा यहाँ पर, क्योंकि देखें तस्वीरें आप, बहुत कम वोटर यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम 2014 के आंकड़े की बात की जाए, जो 76% वोटिंग हुई थी, यहाँ तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है कि उस आंकड़े को टच कर पाएंगे किसी भी लेवल पर। ये एक कितना बड़ा इशू हो सकता है इनक्यूबेंसी या एंटी इनकम्बेंसी के लिए, इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन वहां आप सन्नाटा कह रहे हैं और जिस मुंबई, जिस फिल्म इंडस्ट्री का डायलॉग ले का सहारा लेकर आप वहां की तस्वीर बयां कर रहे हैं, वहां पर रौनक दिखाई दे रही है। हालांकि मतदान प्रतिशत ऐसा कुछ नहीं रहा है, लेकिन जनरल डिसूजा, तमाम सितारे उतरे हैं जमीन पर, ब्लेसिंग्स आई थिंक इट्स पापाज ब्लेसिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड डे। अपील, गो एंड वोट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया सर, आपके दोनों भाई दोनों तरफ ठहरे हैं, जी वोट किया है जी? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि सभी मतदारों को जाकर पहले, सबसे पहले वोट करना चाहिए, अपने दोस्तों को लेके जाइए, परिवारों को लेके जाइए, और जहाँ जहाँ भी आप हैं आप सभी को वोट ज़रूर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे पहले दोनों मेरे भाई खड़े हैं और दोनों के लिए मैंने प्रचार किया, यही आह्वान किया है कि लोगों को आगे आके वोट करना चाहिए। पर मुझे लगता है ये उनको जो वोट मिलेंगे उनके काम पर मिलेंगे, और मुझे यकीन है कि इस बार दोनों विजयी होंगे। सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर बारिश हो रही है, और ये दुगनी खुशी की बात है कि आज नैसर्गिक बारिश हो रही है और मतदारों की भी बूथ पर बारिश ही होगी। आप रितेश देशमुख को सुन रहे थे, विलास राव देशमुख, एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री तक रहे वो महाराष्ट्र के, एक बड़े नेता के रूप में थे। कुछ और लोगों की बातें आ रही है। शुभ, पाऊस पड़तो है, ब्लेसिंग्स आहेत असं मला वाटतंय, लोकांचा आशीर्वाद आहे असं मला वाटतंय। लोकांनी बाहेर पडावं, मतदान करावं आणि योग्य उमेदवाराला निवडून द्यावं। के बेटे रितेश देशमुख को आप सुन रहे थे, दो भाई अमित देशमुख, उनके दो भाई इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिनका वो जिक्र करते हुए, तो ये भी एक अनूठा परिवार। विलासराव देशमुख एक बड़े नेता रहे, एक प्रखर और सशक्त चेहरा रहे,